हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हमारे खेतों में धान की रोपाई होने वाली है, तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आज बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना है। मेहनत करते करते शायद शाम भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस ट्यूबवेल से पाइप के माध्यम से खेतों में पानी जाएगी और पानी जाएगी तो खेतों की सिंचाई होगी। तो दोस्तों, आप सभी ब्लॉग में अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं शुरू से लेकर अंत तक ब्लॉग दिखाने वाला हूँ। जब तक बुआई नहीं हो जाएगी तब तक दिखाने वाला हूँ। खेत में पानी लगाना, फिर जुताई करना, उसके बाद बुआई, सब कुछ दिखाऊंगा। तो आप सभी ब्लॉग में अंत तक बने रहना। तो चलो, लेट्स गो, पाइप को हम बिछाते हैं खेतों के। तो फाइनली दोस्तों, पाइप बिछा दिया है, आप पीछे देख सकते हो, और ट्यूबवेल भी चालू हो चुका है और पानी आ रही है। देख सकते हो कि आप खेत में पानी गिर रही है। तो चलो, आपको पास चल के दिखाता हूँ। दोस्तों, आधे खेतों में पानी भर चुकी है। अभी 2 घंटे हुए और आधे खेतों में पानी भर चुकी है। अभी और थोड़ा टाइम लगेगा तो हो जाएगा पूरा। तो दोस्तों, हमने अभी ट्रैक्टर वाले को कॉल कर दिया है, तो ट्रैक्टर वाले आ रहे हैं अपने ट्रैक्टर लेके जुताई करने के लिए। तो दोस्तों, अभी दिन के 11 बज चुके हैं और देखो, सूर्य भगवान अभी सर पे आ चुके हैं। तो चलो, और आधे खेतों में पानी भरते हैं। दोस्तों, इस खेतों की जुताई हो चुकी है। तो भाई, मैं खेतों की जुताई इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि दोस्तों मेरी बैटरी लो हो गई थी और ट्रैक्टर भी आने में बहुत ज़्यादा लेट किया। मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो गई। कॉल कर रहे थे तो कह रहा था कि अभी आ रहे हैं, कुछ देर में आ रहे हैं, तेल भरा रही है, कई बहाने मार रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो गई ट्रैक्टर आने में। तो मैं भी गुस्से से चला गया था और मोबाइल चार्ज लगा दिया, उसके बाद ट्रैक्टर आ गई। तो दोस्तों, खेतों की जुताई हो चुकी है और देखो, वो उधर बुआई हो रही है। आप पीछे देख सकते हो कि वहाँ पे है ना, वहीं पर बुआई हो रही है। दोस्तों, खेतों की जल्दी बुआई हो जाएगी। दोस्तों, अभी खेतों में टपक पूरा सूख गया है। जो पानी था ना, हम लोगों ने लगाया था, वो सब सूख गया। ट्रैक्टर आने में लेट हो गई, इसलिए सूख गया। तो दोस्तों, अभी हमने ट्यूबवेल वाले को बोला है कि फिर से आगे चालू करें, क्योंकि इसमें पानी रहेगी तो जल्दी से बुआई हो जाएगी। तो अभी गए हैं, तो अभी कुछ देर में पानी आने वाली है। तो चलो, अब पानी भरते हैं, उसके बाद। तो फाइनली कल इस पानी आ चुका है और मम्मी क्या कर रही है, मम्मी प्रॉब्लम दे रही है, उस पर पानी नहीं चल पा रहा है और उधर फिर बुआई हो रही है गाइस। तो सर, हम भी करते हैं ये सब। आप सभी देख सकते हो कि खेतों में पानी लग चुका है और दोस्तों, उधर एक क्यारी बुआई हो चुकी है और भी बुआई हो रही है। तो दोस्तों, ये ट्यूबवेल से आ है इसलिए दिखा रहा है, मम्मी काम कर रही है अभी मेरे। तो पानी लग चुका है, मैं जा रहा हूँ, पशुओं को बांधने, क्योंकि उनका बांधने का खाने का टाइम हो चुका है। चलते हैं घर। तो देखो, आप सभी वहाँ पे अभी बुआई हो रही है, एक क्यारी की बुआई हो गई है। अब ये जो पीछे वाली क्यारी है, इसमें बोएंगे पहले, तब कोई किसी क्यारी में बोएंगे। तो चलो, मैं चलता हूँ घर। तो फाइनली गाइस, खेतों की आधे से अधिक बुआई हो चुकी है और हमने पाइप भी बटोर दिया है पानी वाला। तो अब हम पाइप को ले जा रहे हैं घर और ये लोग बुआई करके आएंगे। और पशुओं को चारा डालना है, क्योंकि आज पशुओं के लिए चारा भी हम नहीं काटे, क्योंकि दिन भर इसी में लग गया। मैंने कहा था कि आज शाम हो जाएगी इसी वे। तो देखो, शाम हो चुकी है और अभी तक बुआई नहीं हुई है। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं घर। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी को पसंद आया तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, इस प्रकार का ब्लॉग और खेतों का ब्लॉग और हरियाली देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आप सभी जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए।